हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू TCBS ब्लॉग्स। सो जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर के आ गए हैं, बट सभी की मार्कशीट में, रिजल्ट शीट में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है एब्सेंट की, ईआर की, क्वेश्चन मार्क्स शो हो रहे हैं एंड पास है फेल है वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पता लगाएं, बहुत सारी क्वेरीज है बेसिकली। तो वो क्वेरीज़ मैंने मेजरली जो 50 में से अराउंड 40% बच्चों को जो क्वेरीज कॉमन है वो मैंने लिख ली है, वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये देखिए मालूम, सो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को मार्कशीट में, एब्सेंट, आरए, ईआर, ये सब मार्कशीट में शो हो रहा है। एंड आप सबको लगेगा कि मैं ये हिंदी में क्यों बना रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमें समझ में आ जाता है, आप इंग्लिश में भी दे दीजिए। तो SOL में बेसिकली हर टाइप का स्टूडेंट है SOL में, जो थोड़ा लेस मिडिल क्लास है, थोड़ा नॉर्मल है, जिसको अपडेट्स का नहीं पता, यूट्यूब का नहीं पता, बेसिकली कहीं ना कहीं से बस लिंक खोल के किसी ना किसी ग्रुप से वो आ जाती है ऑनलाइन एंड उन्हें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हर प्रॉब्लम के। तो इसीलिए मेरे को हर चीज़ हिंदी में भी बतानी पड़ती है एंड कभी कभार इंग्लिश में भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो बात करते हैं मार्कशीट की कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है एंड जो हमारी क्वेरीज थी वो मेजरली क्या थी। फर्स्ट पॉइंट है एब्सेंट मार्क आ रहे हैं मार्कशीट में सबकी। सो मेरी तरफ से ये सॉल्यूशन है इसका, एब्सेंट आ रहा है या आरे आ रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, एब्सेंट ही कहा जाता है उसे। तो इसका सॉल्यूशन ये, आप 1 वीक ले लीजिए, लाइक आज है 8th of October, तो आप 15th of October तक देख लीजिए मार्कशीट में, अगर अपडेट होता है तो ठीक है, अगर 1% नहीं होता अपडेट तो आपको क्या करना है वो मैं अभी डीप में बता देता हूँ आपको। आपको जो भी लिंक्स चाहिए, जो भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा, मैं बेसिकली एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, आपको भटकना पड़ेगा SOL की ब्रांच में जहाँ पे आपने पेपर दिया था, प्लस जहाँ पे SOL का ऑफिस है मेन, ये दो जगह आपको जाना पड़ेगा। अगर एक हफ्ते के अंदर ठीक नहीं होता है, एक हफ्ता अप्रोक्स आप लेके चलिए। तो मान लीजिए एक हफ्ते में आपका ठीक हो गया तो आप टेंशन फ्री रहिए, घर पे आराम से बैठिए, मार्कशीट का प्रिंट निकाल लीजिए एंड लेमिनेट करवा के रख लीजिए, क्योंकि ये यूज़ आ सकता है कभी भी। 1% अगर एक हफ्ते के बाद भी अपडेट नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क्स वगैरह आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में, GE में सबका एब्सेंट दिया हुआ है, जिनका नहीं दिया हुआ बहुत अच्छा है, जिनका दिया हुआ है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि वो विज़िट करें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जहाँ पे उन्होंने पेपर दिया है उस ब्रांच में जाएं, उस सेंटर में जाए जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया सेमेस्टर 2 का, विद एडमिट कार्ड या SOL का जो भी आपके पास काइंड ऑफ डॉक्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके SOL के जिससे आपको लगता है कि हाँ प्रूव होता है कि मैंने पेपर दिए हैं बेसिकली। तो SOL का एडमिट कार्ड लेके जाइए एंड एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी आपको, जो मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा एक फ़ोटो एप्लीकेशन की, वो एज अ सैम्पल कि एप्लीकेशन लिखनी किसको है, कैसे है, क्या क्या आएगा उसमें, रोल नंबर वगैरह, उसके साथ अटेंडेंस शीट मार्क होगी, अटेंडेंस शीट आपको सेंटर से लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेंटर गए आप SOL एडमिट कार्ड लेके, सेकंड स्टेप आपने अटेंडेंस शीट ली उनसे, सर से कि ऐसे ऐसे है, मैंने सारे पेपर दिए हैं बट फिर भी एब्सेंट आ रहा है, उनको क्वेरी जो भी है शेयर करिए आपने, उन्होंने अटेंडेंस शीट दी, घर आइए, एडमिट कार्ड अटैच कीजिए, अटेंडेंस शीट अटैच कीजिए एंड वो एप्लीकेशन, तीन चीज़ें अटैच करके आपको SOL के नॉर्थ ऑफिस में, नॉर्थ कैंपस में वो सबमिट कर देना है, विश्वविद्यालय Gate No. 1। अब वो एप्लीकेशन कैसी होगी, क्या फिल करना है, वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, वो देख लीजिए। बट मैं फिर दोबारा बताऊँगा आपको, पूरा एक हफ्ता देखना है कि कुछ अगर हेर फेर होती है, कुछ ठीक हो जाता है सिस्टम के थ्रू, क्योंकि SOL है बेसिकली सरकारी है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है रिजल्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ठीक होता है एक हफ्ते के अंदर तो नॉर्मल से कोई इशू नहीं है, लेकिन 15 के बाद, 15 अक्टूबर के बाद ये आप प्रोसीजर शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी जाओ, अभी ये है क्वेरी है, बहुत बड़ी क्वेरी है। बाकी बीच में मेरे से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि SOL से आप रेगुलर में जा सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, SOL से कोई वे नहीं है रेगुलर में जाने का। अगर कोर्स चेंज करवाना है उसका भी कोई वे नहीं है हमारे पास, और ना ही SOL करेगा, ये सब चीज़ें एक ही बार की होती है, फर्स्ट टाइम होती है, आपको फिर दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको रेगुलर में जाना है।
अगर बहुत ज़्यादा कोटा कोटा चलाना है या कुछ ऐसा है तो आप वही नॉर्थ कैंपस विजिट कर सकते हैं, मेन ऑफिस SOL के। और भी अगर कुछ भी क्वेरी है A to Z लाइक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, एक दिन में मेरे पास 50 क्वेरीज आ गई जो कि सेम चीज़ है, उसका मैंने सोचा एक बार वीडियो बना लूँ एंड शेयर कर लूँ, तो जिनको इवन नहीं भी पता इन रिजल्ट्स के बारे में उनको भी पता लग जाए। और मैं यूज़फुल लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं एंड आज इवनिंग तक या नाइट तक आप मान लीजिए सारे लिंक्स डल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।